मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा दियां मुश्किलां वध सकदियां ने। 138 मुलाजमान नूं रेगुलर करन दे मामले च विजिलेंस ने जांच शुरू कीती है। विजिलेंस ने अधिकारियों नूं रिकॉर्ड तैयार करन दे लई कहा है। इल्जाम ने कि गैर कानूनी तरीके दे नाल मुलाजमान नूं रेगुलर किया गया। पंचायत विभाग जिला परिषदां च मुलाजमान नूं रेगुलर किया गया सी। इन्हां मुलाजमान दे विच पटवारी, कलर्क, जेसीबी ऑपरेटर ते चौकीदार शामिल सन। तां इस पूरे मामले की विजिलेंस हुण जांच कर रहा है। 138 मुलाजमान नूं रेगुलर करन दे मामले च जांच शुरू हो गई है। साबका मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा दियां मुश्किलां वध सकदियां ने। इल्जाम ने कि गैर कानूनी तरीके दे नाल इन्हां मुलाजमान नूं रेगुलर किया गया सी। पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़े ने। पंकज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी, पूरा मामला की है? देखो, तकरीबन 138 अजिहे कच्चे मुलाजम सिगे जिन्हां नूं पक्का कर दिता गया और जिहड़े रूल एंड रेगुलेशन सिगे उस नूं फॉलो नहीं किया गया और इसकी हुण जांच विजिलेंस ने शुरू कर दी है की वजह रही, क्यों इस तरीके दे नाल पक्का किया गया वै ये देखा जाएगा और इसके पिछे कोई अधिकारी सिगे या फिर इसके पिछे कोई साबका मंत्री सिगे इसकी भी जांच जिहड़ी है वो की जा रही है और जानकारी ये मिली है कि जिहड़ी जिला परिषद ते पंचायत समितियां नूं दे कच्चे मुलाजमान नूं जिहड़ा वै ओह गैर कानूनी दे तौर ते जिहड़ा वै पक्का किया गया वै और उस वेले मंत्री जिहड़े ने ओह तृप्त रजिंदर बाजवा हुंदे सीगे। तां विजिलेंस ब्यूरो ने इस पूरे मामले की जांच जिहड़ी है ओह शुरू कर दित्ती गई है और इसे दे आधार ते देखा जाएगा कि इन्हां दे विच जिहड़े कलर्क, चौकीदार, ऑपरेटर, स्वीपर, सेवादार, पटवारी, जेसीबी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी पूरी लिस्ट जिहड़ी है वह तैयार की गई है कि 138 मुलाजमान नूं किवें ते क्यों जिहड़ा वै गैर कानूनी तरीके दे नाल पक्का किया गया। जी जी, शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी दे लई। तां इस पूरे मामले की जांच हो रही है हुण कि 138 मुलाजमान नूं किस तरीके दे नाल पक्का किया गया, रेगुलर किया गया। इल्जाम ने कि इन्हां नूं गैर कानूनी तरीके दे नाल रेगुलर किया गया। पंचायत विभाग जिला परिषदां च मुलाजम रेगुलर किए गए सी। पटवारी, कलर्क, जेसीबी ऑपरेटर, चौकीदार इन्हां च शामिल सी। उधर बीजेपी आगू दे नाल करोड़ां दी ठगी दी कोशिश दे विच इक नूं काबू किया गया है। पुलिस ने मुलजम हरीश गर्ग नूं गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी आगू दामन थिंद बाजवा दे नाल ठगी दी कोशिश कीती है। दामन थिंद बाजवा नूं पंजाब बीजेपी प्रधान बनाउण दा झांसा दिता जा रहा सी। पंजाब बीजेपी दी दामन थिंद बाजवा सैकटरी है। मुलजम हरीश गर्ग दे साथी सौरभ चौधरी दी भाल इस वेले जारी है। हरीश गर्ग नूं गिरफ्तार किया गया है। दामन थिंद बाजवा दे मुताबक मुलजम हरीश गर्ग ने खुद नूं बीजेपी दा वड्डा आगू दस के उस नाल मुलाकात कीती ते कहा सी कि पार्टी दे पंजाब प्रधान दी चोण होनी है। मुलजम ने कहा कि जेकर तुसीं प्रधान लगना है तां 5 करोड़ दा इंतजाम करो, मैं तुहानूं पार्टी दा प्रधान लवा देवांगा। शक होण ते जदों पार्टी आगूआं नाल संपर्क किया गया तां पता लग्या कि इह व्यक्ति फ्रॉड है। हरीश गर्ग नूं गिरफ्तार किया गया है। उसदे इक साथी दी भाल जारी है। बीजेपी आगू दामन थिंद बाजवा दे नाल ठगी दी कोशिश कीती है। पंजाब बीजेपी प्रधान बनाउण दा झांसा इह व्यक्ति देण दी कोशिश कर रहा सी। उहनां दे नाल मुलाकात कीती बीजेपी दा खुद नूं वड्डा आगू दस के 5 करोड़ दा इंतजाम करन दे लई कहा कि मैं तुहानूं पार्टी दा प्रधान लवावांगा। इह बड़ी ही हैरानीजनक खबर है कि एक आगू नूं किसे दा फोन आया कि मैं बीजेपी दा वड्डा आगू हाँ, उहनां ने मुलाकात कीती। उस तो बाद उस शख्स ने कहा कि तुसी 5 करोड़ का इंतजाम करो ते तुहानू पार्टी का प्रधान बना देवांगे। जिस तो बाद उन्होंने हाईकमान संपर्क किया ते इस व्यक्ति नू गिरफ्तार किया गया है। उधर लंबी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच ग्रंथी सिंह की घिनौनी करतूत सामने आई है। केयरटेकर ने ग्रंथी सिंह की इतराजयोग वीडियो बनाई है। इतराजयोग वीडियो बना के ग्रंथी सिंह नूं ब्लैकमेल किया गया। ग्रंथी की पत्नी ते शरीरक संबंध बनाउण दा दबाव पाया गया। ग्रंथी सिंह ने पुलिस नूं शिकायत दिती है। ग्रंथी सिंह ते केयरटेकर दोवां दे खिलाफ केस दर्ज होया। मुक्तसर साहिब दे पिंड शेरांवाली दी इह पूरी घटना है। ग्रंथी सिंह की इतराजयोग वीडियो बनाई गई जिस तों बाद उस नूं ब्लैकमेल किया गया ते ग्रंथी सिंह की पत्नी ते शरीरक संबंध बनाउण दा दबाव पाया गया। ग्रंथी सिंह ने जदों पुलिस नूं शिकायत दित्ती है ते ग्रंथी सिंह ते केयरटेकर दोवां दे खिलाफ केस दर्ज होया है। मुक्तसर साहिब दे पिंड शेरांवाली दी इह पूरी घटना है। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਜੀ ਮੁਰਗਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ
किसान राशन दे सहायता के नाल उन्हूं गुरद्वारा साहब जीवन साहब के कबज के सरदार बगरेड़ीआर साहब के उ जाके उस घरों गुरद्वारा साहब दे रहा है। ये तो जी जो बनती है दोनों ने देनी चाहिए, गलती तो दोषी का दोनों ना है। 22 जून सवेरे 8:30 बजे ये जोगा सिंह हुणी जदों जाते हैं जिथे गुरु महाराज का प्रकाश किया हो उस थान के उत्ते देखते हैं ये वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना के फिर जिहड़ा जोगा सिंह है जिन्हें वीडियो बनाई है वो फिर ग्रंथी सिंह ब्लैकमेल करता तो उन्होंने कहता भी तेरी घरवाली ने मैं गलत रिलेशन बनाने हैं वो दो तीन आई लेडी के नाल ग्रंथी सिंह की जी वाइफ आ उन्हें ब्लैकमेल करके कहता भी जां तां तुहाडी वीडियो वायरल कर दूंगा बेइज्जती कर दिया नहीं तो तू मेरे नाल शरीरक संबंध बना। एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन लेंदिया जिहड़े दोषियां इन्हां राउंडअप किया गया है इन्हां दे अगेंस्ट असी मुकदमा दो मुकदमे असी दर्ज किए गए वक्को वक्रे एक जिहड़ी हैगी आ गुरप्रीत कौर के बयान के उत्ते मुकदमा नंबर 123 जिहड़ा दर्ज किया गया है ब्लैकमेलिंग का छेड़छाड़ का 124 नंबर मुकदमा असी धारा 295 तहत यह दर्ज किया गया जिहड़ा जोगा सिंह जिहड़ा ब्लैक जिन्हें ग्रंथी है जिहड़ा अमरीक सिंह वो खिलाफ।